और तस्वीरें इस वक्त सीधे आपको राजघाट से दिखाते हैं, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और तमाम और लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं बापू की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच गए हैं, राजघाट भीतर दाखिल हो रहे हैं, उसकी तस्वीरें। व्यवस्थाएं पहले से ही चाक चौबंद कर ली गई है, क्योंकि आज 2 अक्टूबर के दिन बापू को पूरा देश याद कर रहा है, पूरे देश उन्हें नमन कर रहा है। अलग अलग कुछ कार्यक्रम भी रखे गए हैं और राजघाट पर बापू की समाधि पर नमन करने के लिए फिलहाल प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। 7:35 का ये वक्त और प्रधानमंत्री का आगमन यहाँ पर राजघाट पर फिलहाल वो पहुंच चुके हैं, सुबह सुबह का वक्त, और अब राजघाट पर ही बापू को नमन करेंगे। उनके दिए देश के त्याग के लिए उन्हें पूरा देश याद कर रहा है, राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें दी गई है, और ऐसे में उस राष्ट्रपिता को नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए फिलहाल प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। तमाम तैयारियां जो है यहाँ पर पहले ही कर ली गई थी, सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम मंत्रीगण भी यहाँ पर पहुंचेंगे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, कुछ और तस्वीरें भी आएंगी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त पूरा देश जो है वो बापू को याद कर रहा है। आज के दिन जब उनकी जयंती है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर फिलहाल तमाम लोग जो हैं और भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल राजघाट की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे थे, कुछ और तस्वीरें भी सामने निकल कर आएंगी, वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अमरजोत जो है वो यहाँ पर जली हुई है और यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए फिलहाल तमाम लोग पहुंच चुके हैं, और भजन कार्यक्रम, गायन कार्यक्रम भी यहाँ पर किया जाता है ऐसे समय में, तो उसका भी पूरा इंतजाम जो है वो कर लिया गया है। और प्रधानमंत्री जो है वो बस भीतर पहुंचने ही वाले हैं, तमाम और जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बापू को, उसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें राजघाट से इस वक्त सीधी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये पुष्प अर्पित करने के लिए फिलहाल प्रधानमंत्री बापू की समाधि पर और पुष्प अर्पित कर रहे हैं राष्ट्रपिता को, उनके दिए बलिदान के लिए, उनके दिए त्याग के लिए उन्हें याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजघाट की ये सीधी तस्वीरें हैं, राजघाट पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो तस्वीर आप देख सकते हैं। बापू को याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है, उसी की ये तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त आप सीधी नई दिल्ली से देख पा रहे हैं। राजघाट से ये तस्वीरें हैं, फिलहाल परिक्रमा करते हुए यहाँ पर समाधि की, पुष्प अर्पित करने के बाद और उनको नमन करते हुए, उनके दिए बलिदान के लिए, उनके दिए त्याग के लिए उन्हें याद किया जा रहा है, क्योंकि आजादी में एक अहम रोल बापू का रहा है और इसीलिए उनको आज याद किया जा रहा है, इसीलिए उनको राष्ट्रपिता की उपाधि जो है वो दी गई है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अब यहां पर से प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं और सभी को नमस्कार करते हुए, अभिवादन सभी का करते हुए, हाथ जोड़ते हुए यहां पर से प्रधानमंत्री जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। तमाम जो लोग हैं वो श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित कर रहे हैं बापू को, और अंत समय में बापू के शब्द ही राम थे, तो ये देख भी सकते हैं, उनकी समाधि पर ये उकेरा भी गया है और समाधि को फूलों से सजाया गया है, क्योंकि आज का ये दिन जो है वो बेहद खास है। तो कुछ कैडेट्स भी यहां पर हैं जो पहुंचे हुए हैं राजघाट पर 154वीं जयंती है ये महात्मा गांधी की, और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं।
तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ बापू को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री ने दी है, पुष्प अर्पित किया है, वो आपको दिखा रहे हैं। वहीं भजन भी अभी कुछ देर में प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि आज बापू को याद किया जा रहा है, पूरा देश उनको नमन कर रहा है, क्योंकि आज 154वीं जयंती है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पुष्प अर्पित कर दिए हैं, श्रद्धांजलि दे दी है। बाकी और भी अब आज दिन भर ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। राजघाट पर बापू को नमन करने के लिए जितने तमाम नेता हैं वो पहुंचेंगे।